प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए परीक्षा में उतने अच्छे अंक लाने के लिए टेस्ट शुरू किया है। ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिए ताकि टेस्ट से संबंधित सभी डाउट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। है अब है केमिस्ट्री क्लास 12 का जो टेस्ट होगा, हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, और चैप्टर है वो हमारा है पॉलीमर। जो मैम ने, सुमन मैम ने चैप्टर कराया पॉलीमर, उसका ही टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो टेस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन लिंक पर तब तक क्लिक नहीं करना, पूरी वीडियो देखना है, सब चीज़ मिलेगी। उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अपने आप एक टेस्ट मोज नाम की वेबसाइट खुलेगी, टेस्ट मोज, और आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट नाम्स, स्टूडेंट का नाम पूछा जाएगा। तो आप स्टूडेंट के नाम में क्या लिखना है, अपना खुद का नाम ओब्लिक अपने पिता का नाम, जिससे आपकी पहचान हो जाए। जैसे ही आपने ये नाम लिखा कि मेरा ये नाम है और अपने पिता का नाम लिख दिया, तो नीचे आएगा पासकोड, पासकोड पूछा जाएगा। ये एक सार्वजनिक पासकोड है जिसे हमने खुद डिसाइड किया है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सार्वजनिक पासकोड 4001 क्लिक करना है। जैसे ही 4001 क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा, प्रश्न दिखने लगेंगे। कैसे दिखेंगे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एब ऐसे दे के टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, उसके चार पार्ट होंगे, ए बी सी मान लीजिए, तो उसमें सिर्फ एक ही सही है, उसमें एक ही सही है, तो आपको एक ही चूज करना है। जैसे ही चूज करेंगे और नीचे आएगा सबमिट, चूज करके जैसे ही सबमिट लिखेंगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सभी 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो आपने टेस्ट दिए हैं उनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3 दिन के टेस्ट के 3 दिन बाद जो रिजल्ट रहेगा उसकी, उससे अधिक नंबर प्राप्त करने वालों बच्चों की पोस्ट बनाकर कम्युनिटी में डाली जाएगी। सभी को बताया जाएगा कि इन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो आप अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए। अगर आपको टेस्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, 99 500 522 82। ये टेस्ट सीरीज कई बार चलती रहेगी, धीरे धीरे जैसे ही आपका कोई पार्ट कंप्लीट हुआ, टॉपिक कंप्लीट हुआ, वैसे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। और ये टेस्ट आपको देने होंगे। धन्यवाद।